लेफ्टिनेंट कमांडर मृत्युंजय कुमार, भारतीय नौसेना। 23 जुलाई 2021 को रात 11 बजे जम्मू और कश्मीर के शोकबाबा जंगल के इलाके में एक घेराबंदी की गई। तब लेफ्टिनेंट कमांडर मृत्युंजय कुमार ने घने जंगल में सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन के लिए मार्कोस की टीम का नेतृत्व संभाला। अगले दिन सुबह लगभग 7 बजे एक चट्टान के पीछे छिपे दो आतंकवादियों ने सर्च टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक जवान घायल हो गया। तभी शूरवीर अधिकारी के नेतृत्व में तत्काल जवाबी कार्रवाई की गई और अत्यधिक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्होंने दो आतंकवादियों को मार गिराया। लेफ्टिनेंट कमांडर मृत्युंजय कुमार द्वारा उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस तथा निर्भीकता की निजी मिसाल पेश करने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है लेफ्टिनेंट कमांडर मृत्युंजय कुमार।